कोई गुफ्तगू का आगाज नहीं हो सका है, उससे ज़्यादा अहम जो मामला दरपेश है उस पर बात हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी। एम क्यू एम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी लीगी क़यादत से मुलाकात के बाद कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, नून लीगी क़यादत से बहरानों का हल ढूंढने के हवाले से बात हुई, हुकूमत साजी के हवाले से मीडिया में आने वाली खबर दुरुस्त नहीं, इलेक्शन के बाद की खतरनाक सूरत हाल से मुल्क को निकालने की बात हुई है। मीडिया में इस हवाले से हुकूमत साजी मुतालबात और मुहिदों के हवाले से जो खबर आ रही थी वो सारी की सारी खबर दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश खतरात हैं, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है। मामला इख्तदार का नहीं है, पाकिस्तान की अवाम के इख्तियार का रहा है, जमहूरियत के इस्तेहकाम का है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क में इस वक्त बड़ा मसला अदम इस्तेहकाम है, रियासत और जमहूरियत को बचाने की जरूरत है।